सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, वी आर बैक टू एन वीडियो। सो गाइस, थैंक यू सो मच साथ रहने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए गाइस। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि गाइस देखो सोलो रैंक पुश में हम लोग बहुत सर्वाइव करके खेलते हैं, लेकिन गाइस एक चीज में हम लोग का बहुत फट जाता है। गाइस हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के सामने अगर कोई रेयर बंदा आ जाए, जैसे कि क्रिमिनल बंडल, हिप हॉप बंडल, सीजन वन बंडल, ऐसा कुछ रेयर बंदे जब आते हैं ना, तब हम लोग सोचते हैं कि ये पुराने बंदे हम लोगों को पेल के चले जाएंगे। एक जो डर होता है ना वो अंदर बैठ जाता है, इस वजह से हम लोग ठीक से गेम प्ले नहीं कर पाते और सामने जाते हैं तो फाइट नहीं ले पाते, मर जाते हैं। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है इस मैच में, आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना ठीक है। इसमें हर टिप्स दूंगा कैसे अपने डर को दूर फेंके और कॉन्फिडेंस को हाई लेवल तक ले जाए ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना गाइस प्लीज, ओके। और अभी तक जो जो बंदे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज गाइस सब्सक्राइब करके चैनल में आ जाओ, हम बहुत ही करीब है 30K, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट दिखाओ मेरे को, थोड़ा सा हेल्प करो ओके। सो जो भी है गाइस उसको साइड में रख के चलते हैं हम लोग गेम के अंदर ओके, इस छोटे से इंट्रो के बाद ओके। सो गाइस जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों को गाइस एकदम सिंपली क्या करना है, जो कलेक्शन पैक है ना इसको आप लोगों को डिलीट कर देना है ओके। क्योंकि गाइस देखो इस डिलीट करने से क्या होगा, आपके सामने जो भी आए, सीजन वन आए, सीजन टू आए, क्रिमिनल आए, कोई भी आए, कोई भी फ्री फायर का पुराना बंदा आए, आपके सामने नो भी दिखेगा ओके। तो इस वजह से आप लोगों को ध्यान से देखो ये वीडियो को, कि ये जो मैंने कलेक्शन पैक डिलीट कर दिया मेरा, तो अभी देखना मैं लॉबी पर जाऊंगा, मेरे इधर बहुत ही हार्ड हार्ड बंदे आए हैं, लेकिन गाइस आप लोग देख सकते हो एक एक बंदा नोब रहा है, आई मीन टू से नोब जैसा है। तो आप लोगों को ये जो सामने जब ये लोग आएंगे ना, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है हाई हो जाएगा। तो पहले जब आप डरते थे, सपोज सामने क्रिमिनल आ गया, सीजन टू आ गया, आप लोग डर जाते थे, अरे यार पुराना बंदा है मार देगा मेरे को। लेकिन गाइस ये पैक डिलीट करने के बाद क्रिमिनल हो, हिप हॉप हो, सीजन वन हो, कोई भी हो, आपके सामने नो भी रहेगा ओके। तो आप ध्यान से देखो लॉबी पर मैं आ गया हूँ, जो जो बंदे हैं एक भी बंदे मतलब प्रो दिखाई नहीं दे रहे ठीक है, सबके सब नॉर्मल सब बंदे दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल प्लेयर दिखाई दे रहे ओके। सो गाइस आप लोग भी अगर आप लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, डर लगता है, तो आप लोग ऐसे करके जो कलेक्शन पैक है ना इसको डिलीट कर देना, आराम से आप लोगों का डर खत्म हो जाएगा ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हम लोग आ गए प्लेन के ऊपर ठीक है। तो अभी प्लेन से हम लोगों को लैंडिंग करना है, तो ध्यान से देखना गाइस, मैं बार बार बोलता हूँ लैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस गाइस लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और गाइस मैं लैंडिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा ओके। सो गाइस लैंडिंग कैसे करना है, देखो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप लोगों को पहले ऐसी जगह उतरना है, आप लोग मैं तो हर बार बोलता हूँ साइड में उतरो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बीच में उतरते भी हो तो एक मतलब खुला जगह में उतरो, उधर गन होना चाहिए आप लोगों को ठीक है, गन के ऊपर आप लोगों को उतरना है। जैसे कि गाइस देखो मैं इस घर में उतरा हूँ और इधर कोई नहीं है ठीक है, तो मेरे को आराम से गन मिल जाएगा, और इधर गन मिलता भी है ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को गन मिल गया ठीक है। तो ऐसे करके और फैल्कन भी मेरे पास है, फैल्को पैड जो जल्दी जल्दी उतरता है, वो तो आप लोगों को लेना ही है मस्ट भी। तो ऐसे करके मेरे को गन मिल गया, अभी क्या है देखो गाइस ध्यान से देखना, अभी मेरे पास गन है, अगर सामने कोई बंदा उतरता भी है, सपोज मेरे सामने कोई बंदा उतरता भी है, तो मेरे पास गन है, अभी मैं उसको आराम से मार दूंगा, ये दिमाग में रखना है, भागना नहीं है गाइस ठीक है। ठीक है चलो अगर बंदा तुम्हें नहीं देखा तो भाग जाओ, वो अलग बात है, लेकिन अगर सामने बंदा, जैसे कि इधर देखो एक बंदा सामने था, तो मैंने इसको डैमेज दिया, लेकिन इसने क्रोनो मार दिया, तो मैंने क्या किया फटाक से कवर ले लिया परमानेंट। तो इधर आप लोगों को ऐसे करके कवर लेके रुकना है, भागना नहीं है गाइस ठीक है। उसके बाद गाइस देखो मैं इधर ही रुका और ये बंदा मेरे सामने आया, तो मैंने इसको गोली मार के मार दिया। तो गाइस मतलब ध्यान से देखो मेरा रिएक्शन टाइम जो होता है ना वो आप लोगों को एकदम एक्यूरेट रखना है, सामने अगर सपोज बंदा फटाक से आ जाता है ना, आप लोगों को वेट नहीं करना, फटाक से गोली चलाना है, जैसे मैंने गोली चलाया और इसको मार दिया। तो ऐसे करके गाइस इसको मैंने मार दिया और मेरा फर्स्ट किल मैंने कंप्लीट कर दिया। तो अभी गाइस इधर थोड़ा बहुत लूट लूँगा, क्योंकि इधर कोई नहीं उतरा, एक ही बंदा उतरा था, अगर सपोज कोई आता भी है तो मैं उसको फाइट लूँगा उसके साथ। गाइस हमेशा दिमाग में ये रखना, आप लोगों को बुया लेना है, और आप जो भी बंदा आपके सामने भिरेगा उसको आप लोग मार सकते हो आराम से ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस दिल में रखना है और आराम से गेम खेलना है। तो ऐसे करके मैं इधर देखो आराम से लूट वूट करके, तो सामने गाड़ी मिल गया मेरे को, अभी मैं ब्लू जोन जाऊंगा, मेरे को स्नाइपर गन चाहिए ठीक है। तो मैं स्नाइपर गन मेरे को अच्छा लगता है, चलाता हूँ बहुत अच्छा, तो इसलिए मेरे को स्नाइपर गन चाहिए, इसलिए मैं ब्लू जोन जा रहा हूँ। आप लोगों को जो चाहिए आप लोग वो ले सकते हो, गन कॉम्बिनेशन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं जस्ट इतना ही बोलूँगा सोलो में
जो भी गन लो आप, उसको डैमेज ज़्यादा आना चाहिए। मतलब जैसे कि आप ड्रैगन अप ले सकते हो, SKS ले सकते हो, मतलब जो भी गन लो उससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज देना है बंदे को, ठीक है ना। क्योंकि सोलो बंदा है, नॉक नहीं होगा, डायरेक्ट मर जाएगा, इसलिए ज़्यादा डैमेज देने वाला गन हमेशा लेना। तो इधर देखो गाइस, एक बंदा सामने आ गया था, तो मैंने इसको देख के भागा नहीं। इसको डरना होगा मेरे से, मैं इससे नहीं डरूंगा, ये दिमाग में रखना है। एनिमी हमसे डरेंगे, हम एनिमी से नहीं डरेंगे, ओके। तो मैंने इसको बहुत डैमेज देने का कोशिश किया, लेकिन ये बंदा ग्लूअल पैक करके बैठा था डर के मारे। तो गाइस डरना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलो HP खत्म हो गया तो कवर ले लो, लेकिन फाइट करने का कोशिश करो हमेशा, ठीक है। जैसे कि मैंने देखो इसको बहुत गंदा डैमेज दे दिया, उसके बाद मैंने इसका ग्लूअल भी तोड़ दिया। ग्लूअल तोड़ने के बाद गाइस मैंने इसको आराम से मार दिया। ये बंदा क्यों मरा पता है? इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम था, क्योंकि ये मेरा ड्रेस देख के पहले डर चुका था, बार बार कवर में जा रहा था। तो गाइस आप लोगों को ऐसे डरना नहीं है, ओके। तो इधर मेरे को दो दो स्नाइपर मिल गया, ठीक है। तो मैं जो जिसके लिए आया था ब्लू जोन में, मेरे को मिल गया, तो अभी मैं दो दो स्नाइपर लेके सामने जाऊंगा। उसके बाद गाइस से मैं सामने जाके आराम से टावर में जाके बैठ गया। तो इधर बैठ के आराम से अभी सर्वाइव मारूंगा, क्योंकि मैं जोन के अंदर भी हूँ और आराम से अभी दो किल भी मेरे हो चुका है। तो अभी इधर बैठ के बहुत सर्वाइव कर लिया मैंने, बहुत टाइम तक इधर भी बैठा हूँ, क्योंकि मेरे को फाइट नहीं लेना। क्योंकि गाइस कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, ओके। सो इधर मैं बैठूंगा, सर्वाइव करूंगा लास्ट जोन तक, ठीक है, जब तक ना नेक्स्ट जोन गिरे, ठीक है। तो आप लोगों को भी गाइस ऐसे ही स्टे करना है लास्ट में, ओके। तो इधर बैठ के आराम से मैं देखो सामने एक बंदा था, तो मैंने इसको डैमेज दिया बहुत, लेकिन ये कवर में चला गया, लेकिन मैंने इसको डैमेज देना नहीं छोड़ा, तो ये ग्लूअल के कवर में चला गया। तो मैं इसका ग्लूअल तोड़ रहा था गाइस, लेकिन ऊपर से मेरे को पर बहुत गंदा वाला डैमेज दे दिया एक बंदे ने। तो मैं जल्दी से कवर में आ गया, कवर आके पहले अपना HP फुल किया, उसके बाद इधर स्टे किया थोड़ा सा। उसके बाद गाइस ऊपर से एक बंदा आ रहा था जोन का डैमेज खाते खाते, तो मैंने उसको स्पॉट कर लिया था गाइस। स्पॉट करने के बाद उसको कोई दूसरा भी मार रहा था शायद, तो मैंने इसको देख के सामने मेरा मिला, तो मैंने इसको दो गोली मारा और बंदा खत्म। तो ऐसे करके मैंने इसको भी मार दिया। उसके बाद गाइस ऊपर भी दो बंदा फाइट हो रहा था, तो मैंने इसको स्पॉट कर लिया। स्पॉट करने के बाद गाइस मैंने स्कोप ऑन करके देखा बंदा को, मतलब मेरे रेडार में आ गया था, तो मैंने इसको भी मार दिया। तो ऐसे करके मैंने चार किल कंप्लीट कर दिया और लास्ट दो बंदे बचे थे, मैं और सामने वाला बंदा। तो मैंने इसको डैमेज दिया बहुत सारा, लेकिन ये बंदा कवर में चला गया। तो ये जोन के अंदर जाने का कोशिश कर रहा था, तो मैंने इसको एक 150 का डैमेज दिया। डैमेज देने के बाद गाइस ये बंदा एकदम परमानेंट, मतलब ग्लूअल के कवर में चला गया। तो मैंने स्टे किया थोड़ा सा, क्योंकि जोन भी आ रहा था, तो वो उसको जोन के बाहर, मतलब जोन के अंदर आना ही था। उसके बाद जोन जब आ रहा था गाइस, वो बंदा ग्लूअल से निकला गाइस, आराम से निकला जा रहा था, तो मैंने इसको डैमेज देके आराम से मार दिया। तो ऐसे करके मैंने एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल बुया ले लिया जो सोलो मैच में। तो गाइस आप लोगों को समझ आया होगा कैसे बुया लेना है। आप लोग कॉन्फिडेंस रखो अपने पास, ठीक है, कि आपको डरना नहीं है किसी से भी। तो ऐसे करके आप लोग खेलो, आप लोगों का 100% बुया होगा, टॉप टू में तो आराम से आप लोग जाओगे, ठीक है। तो यही था वीडियो, आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया। प्लीज़ गाइस अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।